হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি বিধিগত কলকাতা থেকে বলছি, কলিং ফ্রম কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া। পার্টিকুলার এই প্রেজেন্টেশনটা আমি কেটুকুলসের বুস্টিং ইনকাম, কেটুকুলস কা বুস্টিং ইনকামকে উপর টোটালি প্রেজেন্ট করি। কেসে বুস্টিং ইনকাম হতা হয়, বুস্টিং ইনকাম কেসে হাম লোক এক আনলিমিটেড ইনকাম খাড়া কর সকতা হ্যাঁ হাম লোক লিয়ে। কেসে বুস্টিং ইনকাম মে আগর আপকা কোই টিম ভি নেই হতা হয় ম্যাট্রিক্স মে, তব ভি হাউ ইউ ক্যান গ্রো ইয়োর ইনকাম অ্যাট লিস্ট বাই 2 ইয়ার্স টাইম, অ্যাট মান্থলি ইউ ক্যান আর্ন আ মিনিমাম অফ $1,000 ফিক্সড, অ্যান্ড আপ উস ইনকামকে উপর ইউ ক্যান ডু দ্য ট্রেডিং, অ্যাট লিস্ট ক্যাপিটাল যে হতা হয় ট্রেডিং কে লিয়ে, যে ক্যাপিটাল হতা হয় কেটু কোর্স মে কিউ অ্যাজ আ ট্রেনার অফ ফরেক্স ট্রেডিং, মানে কিউ কেটু কোর্স কো চুজ কিয়া হয়, আমি কেন কেটু কোর্স কে চুজ করেছি ট্রেনার হিসেবে, ফরেক্স ট্রেডিং ট্রেনার হিসেবে, দ্যাট আই এম জাস্ট উইলিং টু ডিসক্রাইব ইউ পার্টিকুলার ইস ভিডিও মে, মানে উই चीज़ को मैं डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड, की टू अनलॉक योरसेल्फ। यस, मुझे देखना पड़ता है कि मैं अगर फॉरेक्स में ट्रेडिंग करूँगी तो किस तरीके से मेरे पास ट्रेडिंग का जो कैपिटल होता है उस कैपिटल को मेरे को चाहिए, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगी फॉरेक्स ट्रेडिंग। और मैंने जो ट्रेडिंग का तरीका सिखाती हूँ वो कोई छोटा मोटा तरीका नहीं है, और उसके लिए अगर आपके पास मिनिमम $1,000 कैपिटल नहीं होता है तो मैं अलाउ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा जो नो लॉस ट्रेडिंग तरीका है उसको यू हैव टू इम्प्लीमेंट विद मिनिमम कैपिटल ऑफ $1,000। अगर आपके पास $1,000 होगा तो आप इतमान से विदाउट एनी प्रॉब्लम उस ट्रिक को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे बढ़िया बात है कि मेरे पास केटोकोस का बूस्टर इनकम है, जहाँ पर मुझे 3.5x, यस, ये जो बुस्टिंग इनकम है, मैं जितना आईडी मेरा है उसके ऊपर 3.5x का इनकम आ जाता है। तो लेट्स सी इसमें कैसे होता है। सबसे पहला बात है कि मुझे क्वालिफाई करना पड़ता है बुस्टिंग के लिए। तो जिस जो भी मैं अभी प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ उसमें आपका मंथली इनकम कम से कम $1,000 होगा, वो कैसे मैं 300 डेज के अंदर, मीन्स एक साल के अंदर मैं मेरा मंथली इनकम बुस्टिंग से मंथली मेरे को $1,000 आएगा ही आएगा, वो मैं दिखाने जा रही हूँ। और उस पैसा से मैं इत्मीनान से ट्रेड करूँगी, एक तो मेरा बूस्टिंग इनकम से मंथली मेरे को $1,000 आएगा, वो मैं रोड मैप आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। दूसरा मेरे को और एक चीज़ है कि ट्रेडिंग के ऊपर मेरा कोई प्रेशर नहीं रहेगा। ट्रेडिंग में क्या होता है लोग प्रेशर, अगर हम प्रेशर लगा के ट्रेडिंग करेंगे, दिमाग में ये रहेगा कि मेरे को महीने में इतना कर्जा है या मेरा घर का पीछे इतना खर्चा है, फैमिली का देखभाल के पीछे इतना खर्चा है, तो मेरे को करना ही पड़ेगा अर्निंग ट्रेडिंग से, ये होता है प्रेशर, ये प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, उसमें मैं अभी बूस्टिंग के थ्रू जिस तरीके से मैं आप लोगों को रोड मैप दिखा दे रही हूँ, ताकि आपको कम से कम एक साल के भीतर आपका मंथली अर्निंग $1,000 फिक्स्ड हो जाएगा, वो आएगा ही, वो आपके ऊपर है केटोकोस में आपका टीम आए या ना आए कोई बात नहीं, आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जस्ट इस रोड मैप को फॉलो करके अपना आईडी को आप $1,000 पर मंथ अचीव कर लीजिएगा, जस्ट इस रोड मैप को देख के। तो मैं इतना बोलूँगी, तो आपका अगर इधर से $1,000 फिक्स्ड हो जाएगा तो डेफिनेटली आप उसी से ही, आपको दिमाग में कोई प्रेशर नहीं रहेगा जब आप ट्रेडिंग करने बैठेंगे। यस, जब आप ट्रेडिंग करने बैठेंगे तब आपको इतना तो मालूम होगा कि आपका $1,000 आ ही रहा है केटकोस से, तो ट्रेडिंग का जो भी इनकम होगा वो आप इत्मीनान से ट्रेड कर सकते हैं। तो इधर और एक बात है, मैं तो नो लॉस स्ट्रैटेजी दिखा रही हूँ, सक्सेस प्रूवन भी है। इधर मेरा जितना भी स्टूडेंट अभी तक कर रहे हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, वो लोग एक भी ट्रेड को लॉस करके बुक नहीं कर रहे, ऊपर से इतना सक्सेस उन लोगों को मिल रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि मैं कोई MLM नहीं करना चाहती हूँ, बिना MLM को मेरे को अगर $30-$50 पर डे को आ रहा है मैं क्यों MLM में करूँ। लेकिन मैं तो इतना बोल रही हूँ कि नहीं, MLM तो करना पड़ेगा, मैं इसलिए MLM कर रही हूँ क्योंकि मेरे को स्टूडेंट बनाना है। यस, मैं ये मेरा स्टूडेंट मार्केटिंग है, और ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो ट्रिक है सक्सेस प्रूवन ट्रिक इस सब को मैं बोल सकूँ, इसीलिए मैं एक्चुअली केटोकोस कर रही हूँ, नहीं तो मैं कोई प्रोडक्ट बेस्ड वैसा कुछ नहीं कर रही। मुझे डॉलर चाहिए ट्रेडिंग के लिए, डॉलर चाहिए, और केटोकोस में मुझे डॉलर अर्निंग होता है, मुझे पॉकेट से नहीं देना पड़ रहा है, मैं स्टूडेंट मार्केटिंग करने से ही मेरे को डॉलर अर्निंग आ रहा है। तो इसीलिए मैं केटोकोस का पर्टिकुलर ये जो बूस्टिंग वाला जो सेक्शन है, अर्निंग सेक्शन है, इसको मुझे बहुत ही सूटेबल लगा, एटलीस्ट मेरे जो मेंटेलिटी है उसी के हिसाब से मैं बोलूँ। अब बूस्टिंग क्वालिफिकेशन जो है जिसमें मैं अनलॉक कर पाऊँगी, मेरे को फॉर लाइफ टाइम में और मेरा अनलॉक हो जाएगा, वो कैसे होगा। तो बूस्टिंग सबसे बड़ा इनकम, बार बार मैं बोलूँ, एक बार थोड़ा सा मुझे बंगाली में बोलना पड़ेगा क्योंकि बंगाली पीपल जो लोग है যারা বাংলা থেকে আসছে তাদের জন্য একটু আলাদা করে বলতে হচ্ছে। আমি সত্যি কথা বলতে কি এই বুস্টিং ইনকামের জন্যই আমি কেটুকুসকে আমার স্টুডেন্ট মার্কেটিংয়ের একটা প্ল্যাটফর্ম, ফরেক্স ট্রেডিং শেখানোর জন্য যে স্টুডেন্ট মার্কেটিংয়ের একটা প্ল্যাটফর্ম, আমি এই পার্টিকুলারলি এই বুস্টিং সেকশনটার জন্যই আমি কেটুকুসকে
চুজ করেছি, আদারওয়াইজ আমার কাছে আরও অনেক প্রোগ্রাম এসেছে, আমি এর আগেও একটা প্রোগ্রাম আমি ট্রাই করেছি কিন্তু আলটিমেটলি সেটা স্যুট করেনি, কিন্তু কেটু পুসটা আমার কাছে অসম্ভব সুটেবল মনে হচ্ছে। ফার্স্ট অফ অল আমার ক্ষেত্রে এটা ডলার আর্নিং, যে ডলারটা দিয়ে আমি ট্রেডিং করবো সেই ডলারটা আমি এখান থেকে পাচ্ছি। নেক্সট এই বুস্টিং ইনকামটা, বুস্টিং প্রসিডিওরটার ক্ষেত্রে আমার ম্যাট্রিক্স, আমার ওন মার্কেটিং টিম আমার যদি নাও থাকে, আমি যেভাবে আপনাদেরকে ওয়ে আউট বলে দিচ্ছি সেই পথে যদি আপনারা করেন তাহলে এটুকু বলতে পারি ডেফিনেটলি আপনাকে আপনার ইনকাম কোনো দিন বন্ধ থাকবে না। ইয়েস, মান্থলি মিনিমাম $1,000 আপনার কেটুপুস থেকে আর্নিং যখনই আপনি আমার এই ভিডিওর যে ওয়ে আউটটা বলে দেওয়া আছে সেই পাথটাকে আপনি যদি ফলো করে নিজের আইডিটাকে, কেটুপুসের আইডিটাকে মেনটেন করে চলেন, তাহলে আপনার ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, আমাদের ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে সবসময় একটা প্রেশার থাকে, মেন্টাল প্রেশার থাকে, সেই মেন্টাল প্রেশারটাকে ফুললি আমি বলে দেবো 90% রিলিজ করে দেয়। ইয়েস, যখন আপনার কোনো প্রেশার ছাড়া আপনি যখন ট্রেড করবেন তখন জানবেন আপনার ট্রেড কোনো অবস্থাতেই ভুল হয় না, একদম প্রেশার ছাড়া, যে আমাকে এই টাকাটা ইনকাম করতেই হবে না হলে আমার সংসার চলবে না, আমার লোনের ইএমআই দিতে পারবো না, এই যে প্রেশারগুলো যখন আপনার এই সমস্ত প্রেশার নিয়ে আপনি যদি ট্রেড করেন তখন অসুবিধা হয়ে যায়, আপনার ক্যালকুলেশন ভুল হতে পারে, এত কিছু আমি নো লস স্ট্র্যাটেজি দেওয়ার পর হয়তো আপনি হয়তো প্রেশার ফিল করে আপনি ভুল করে ফেলতে পারেন, কিন্তু যখনই আপনি জানছেন যে আপনার কেটুপুস থেকে আপনার মান্থলি একটা $10,000 আসতে শুরু করেছে, কোনো প্রবলেম নেই, ওটা আপনার ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে, তখন আপনার কিন্তু আর কোনো অবস্থাতেই সেই প্রেশারটা থাকছে না এবং সেলফ ডিপেন্ডেন্ট, সেলফ এমপ্লয়েড হয়ে যাচ্ছে। তো দেখা যাক এই যে আনলক ইয়োরসেলফ লাইফ ফর লাইফ টাইম, এটা করতে গিয়ে আমাকে কী করতে হবে। অ্যাজ এ কেটুপুস মেম্বার আমি নিজেও কিন্তু মার্কেটিং করছি এবং কেটুপুসের এই টোটাল সিস্টেমটাকে এনজয় করছি। তো ফার্স্ট অফ অল আপনি যখন রেজিস্টার করছেন $20 দিয়ে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হচ্ছে এবং সেটা ওয়ান্স ইউ রেজিস্টার ইউ আর স্টার্টিং টু লার্ন ফরেক্স ট্রেডিং ফ্রম মি, ফ্রম ইলটোয়ান অ্যাকাডেমি। অ্যান্ড অ্যাজ দ্য ওয়ে অফ আমি যেভাবে এটাকে নিয়েছি, দ্য ওয়ে মাই কেটুপুস কত স্টুডেন্ট মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্ল্যাটফর্মকে জড়িয়ে আমি দেখি, তো ইসিলিয়ে মাই সবকে বলি কি আপ অ্যাটলিস্ট মিনিমাম 5 স্টুডেন্ট কো রেফার করো। ইয়েস, 5 স্টুডেন্ট যে কি $20 সে আপ রেফার কর সকতে হো, মেরে কো আই এম নট টেকিং এনি এক্সট্রা ট্রেনিং ফি, মাই কিসি কো ট্রেনিং ফি কে দৌরান মাই কিসি সে কুছ এক্সট্রা কুছ নেই লে রি, আমি কোনো ট্রেনিং ফি আলাদা করে এক্সট্রা নিচ্ছি না, বাট ইফ ইউ আর রেফারিং অ্যাজ আ স্টুডেন্ট অফ মাইন 5 নিউ স্টুডেন্টস আপ আগর কেটু পেল মে রেফার করতে হো আর কোয়ালিফাই কর যাতে হো, জব আপ 5 স্টুডেন্টস কো রেফার করতে হো তো হার এক স্টুডেন্ট সে ইউ আর গেটিং $10 ইচ, দ্যাট মিন্স $50 আপকো রেফারাল বোনাস মিল জাতা হ্যায়, $50 রেফারাল বোনাস পেয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড নাও ইউ ক্যান আপগ্রেড ইউরসেলফ ইন দ্য ডায়মন্ড লেভেল, আপ উস $50 সে আপ ডায়মন্ড লেভেল মে আপগ্রেড কর পাওগে, ইউ ক্যান আপগ্রেড আপকা খুদ কো আপনি নিজেকে আপগ্রেড করছেন পরে লেভেলে, লেভেল টুতে ডায়মন্ড পুলে সেখানে $50 লাগছে আপগ্রেডেশনে, তো $50 দিয়ে আপনি আপগ্রেড করে নিচ্ছেন। যে মুহূর্তে এই দুটো কাজ কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, এক হচ্ছে ইউ হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড 5 মেম্বার, আপনি 5 জনকে রেফার করে ফেলেছেন কেটু পুলসে, আর সেখান থেকে আপনি যে $50 পেয়েছেন তাই দিয়ে আপনাকে আপনি ডায়মন্ড পুলে নিজেকে আপগ্রেড করে ফেলেছেন। এই দুটো কাজের জন্যই ইউ আর নাও এলিজিবল টু গেট দ্য বুস্টিং ইনকাম। ওকে, তো এই দুটো কাজ নাও ইফ ইউ আর ডুইং দিস অলরেডি তব যাকে আপ এলিজিবল হো পা রে হো বুস্টিং ইনকাম কে লিয়ে। ওকে, আপ জব বুস্টিং ইনকাম কে লিয়ে আপ জব এলিজিবল হো পা রে, ইসকে বাদ আগর আপকা কোই এক ভি টিম মেম্বার নেহি আতা হ্যায়, হতেই পারে আপনার একটাও টিম মেম্বার এলো না, এরপরে এই 5 জনের পরে আপনার একটাও টিম মেম্বার এলো না, কোনো প্রবলেম নেই, জাস্ট বিন্দাস বি কুল, নো প্রবলেম অ্যাট অল। अगर आता है तो डेफिनेटली यू आर अर्निंग मोर, ओके, बट अगर नहीं भी आता है तब भी बी कूल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, लेकिन मेरे से क्या होगा एज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड, आप नेक्स्ट 12 मंथ्स आपको तो क्वालिफिकेशन आ जाएंगे ये 2 काम करने के बाद, बट और एक चीज़ यू विल बी गेटिंग, यू विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम मी, फ्रॉम एल्टोआनन अकेडमी। केटुपुस के साथ एल्टोआनन अकेडमी का इस फॉरेक्स ट्रेडिंग का ट्रेनिंग के ऊपर कोई संपर्क नहीं है, एल्टोआनन अकेडमी जस्ट केटुपुस को यूज़ कर रहे हैं फॉर स्टूडेंट मार्केटिंग। तो व्हाट यू विल गेट, ये क्वालिफिकेशन, आप बूस्टिंग इनकम का क्वालिफिकेशन जब अचीव कर लेते हो तब जाके फॉर 12 मंथ्स डेली 2 सिग्नल आपको मिलेगा फॉरेक्स के लिए। ओके, तो ये आपको दिस इज अ एडेड बेनिफिट फ्रॉम एल्टोआनन अकेडमी। अब जब के टू पुल में बूस्टिंग इनकम ये जो है ये टोटल पॉइंट वाइज करके रखा है, तो अचीव द बूस्टिंग इनकम आपको 5 रेफर करना पड़ेगा डायरेक्टली, जो कि $20 मिनिमम, $20 से 5 रेफर हो गया, आपका सेल्फ आईडी भी यू हैव अपग्रेडेड, आपने नीचे का अपग्रेड करेछेन $50 दिए डायमंड पुल रैंके, आपनर बूस्टिंग इनकम অপশান এইবার আপনার ইউ হ্যাভ স্টার্টেড, ইয়েস বুস্টিং অপশান উইল বি অ্যাক্টিভেটেড। এই দুটো পয়েন্ট 1 আর পয়েন্ট 2 কমপ্লিট করার পরে, আর নেক্সট আফটার দিস ইউ উইল বি এবল টু ইউজ বুস্টার অ্যান্ড মাল্টিপ্লাই ইয়োর ইনকাম ফ্রম 100% টু 350%। ইয়েস, আপনার ইনকামকে আপনি 100% থেকে মানে ডাবল করতেই পারেন, আপনি মোর দ্যান ট্রিপল করতে পারছেন। ওকে, সো লেটস সি, আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড, মানে ইধার এক টেবিল বানা কে রাখিও। ওকে, সো জব আপ ডায়মন্ড র্যাঙ্ক হো চুকে, ডায়মন্ড র্যাঙ্ক সি অ্যাকচুয়ালি বুস্টিং ইনকাম স্টার্ট হতা হয়, তব যাকে ওন্স ইউ হ্যাভ অ্যাচিভ নাও উইদিন 30-35 ডেজ টাইম, জব জিস দিন সে আপনার ডায়মন্ড র্যাঙ্ক অ্যান্ড বুস্টিং কা কোয়ালিফিকেশন হো দিয়া উসকে উস দিন সে লেকে 30-35 ডেজ কা আবি অ্যাভারেজ চল রা হ্যায়, আপকে পাস বুস্টার ওয়ালেট জো হ্যায় বুস্টিং করনে কে লিয়ে বুস্টার ওয়ালেট মে মিনিমাম $10 আয়েগা, আপকে ফার্স্ট কোয়ালিফিকেশন মে আপকো মিনিমাম $10 আয়েগা, জব $10 আয়েগা দেন ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য বুস্টিং,
योर आईडी, आपका जो आईडी है उसको बूस्ट करना पड़ेगा इमीडिएटली। आप बूस्टिंग $10 के जो बूस्टिंग वॉलेट में है उसको कंपल्सरीली बूस्ट करना पड़ेगा, और जब बूस्ट करेंगे तब जाके उसका 30 to 35 days के अंदर बाय दिस $10 आपको एक आईडी रिन्यूअल पोजीशन में आ जाता है, एक न्यू आईडी जनरेट हो जाता है ग्लोबल पूल में। तो उधर से इस पर्टिकुलर इस एक आईडी के ऊपर, ओके, एक आईडी के ऊपर आपको $35 आनी हो जाता है, ठीक है। $10 का एक आईडी वो आपको 30 to 35 days के अंदर आपको $35 आनी देता है, ठीक है। अब जब ये जो आप डायमंड लेवल में है, आप पर डे 2 बूस्टिंग एक साथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो बूस्टिंग वॉलेट में कम से कम $10 होना चाहिए। अगर 2 बूस्टिंग करेंगे तो दैट मीन्स उसमें आपको $20 होना चाहिए। लेकिन ये जो बूस्टिंग वॉलेट में आप बाहर से कभी भी पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, ओके। बूस्टिंग वॉलेट का पैसा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट डिपॉजिट एनी मनी फ्रॉम आउटसाइड इन टू योर बूस्टिंग वॉलेट, ओके। तो दैट मीन्स $10 का जो बूस्टिंग पहला जब आपको मिला है, तब जाके यू आर अर्निंग $35 इन विद इन नेक्स्ट 32 to 35 days टाइम। उधर से यू आर नाउ ऑन 36th day, सपोज अगर 32nd day में अगर आ जाता है तो उसी दिन तुरंत आपको बूस्टिंग करना पड़ेगा, नहीं तो अगर 35 days में आएगा तो उसी दिन भी आपको बूस्टिंग करना पड़ेगा। तो जब $35 आपके पास आ जाता है, तो सपोज मानिए 36 days में आपने बूस्टिंग किया, तो फिर से आप जब बूस्टिंग कर रहे हैं तो दैट मीन्स उधर भी आप $35 से आप 3 बूस्टिंग कर दिया, ओके, 3 बूस्टिंग। अब $35 में एक साथ तो 3 बूस्टिंग हो नहीं सकता, इसलिए आप 36th day जो मैंने लिखा है उस दिन एक बूस्टिंग किया, और 70 to 38 days के अंदर वही आपने फिर और 2 बूस्टिंग जो किया था। दो 3 बूस्टिंग एक साथ नहीं होता है, $35 में से आपको $10 का कंपलसरी करना पड़ता है, लेकिन आपको 3 बूस्टिंग करना पड़ता है। तो एक दिन एक किया और एक दिन आप 2 किया, तो उसी के हिसाब से मैंने उसके जस्ट 35 days के बाद, दैट मीन्स 70 or 80 days के अंदर आपको टोटल अर्निंग $35 से आपका 3 बूस्टिंग आपने फिर किया, तो उसके हिसाब से $35 into 3 दैट मीन्स $105 आपको अर्निंग आ चुका है। इस $105 से आप विथड्रॉ करना कितना किया, $25, ओके, $25 विथड्रॉ किया, तो आप रिबूस्ट किया, रिबूस्ट कितना किया आपने, रिबूस्ट बाकी जो $80 था, $80 रिबूस्ट किया, तो $80 रिबूस्ट करने के बाद आपने फिर $80 रिबूस्ट किया, $80 रिबूस्ट करने के लिए आपको दो करके आपको 4 दिन लगेगा, ठीक है। पहला दिन आपको 2 किया, उसके बाद 81 to 83 days के अंदर हर दिन दो करके आप टोटल 3 दिन में 6 टोटल किया, तो 8 आईडी आपने रिबूस्ट किया $80 यूज़ करके। आप जब 8 आईडी को आप जब रिबूस किया, उसके बाद तब आपके पास कितना आया, $280 बूस्टिंग फंड में आ चुका है, ठीक है। अब जब $280 जब आ रहे हैं, तब जाके आपको अपना जो आईडी, जो फर्स्ट आईडी था, जो आईडी आपने पॉकेट से पे करके $20 यू हैव पेड फॉर द फर्स्ट एक्टिवेशन टाइम, उस आईडी को आपने आपका उस आईडी को टाइटन लेवल में अपग्रेड कर लिया। अब इस अपग्रेडेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो पर डे का जो रिबूस्टिंग नंबर ऑफ रिबूस्टिंग जो है उसका एक लेवल होता है, एक कैपिंग होता है, उस कैपिंग को बढ़ाने के लिए। अभी तो आपका पर डे का 2 ही आईडी आप रिबूस्ट खरीद सकते थे, आप जाके आप 3 आईडी आप रिबूस्ट कर सकते हैं। अब जब $280 से आपका $100 आप लेवल अपग्रेडेशन में चला गया, आप विदड्रॉ किया $60, तो कितना दिन रखा है, $120, दैट मीन्स 12 रिबूस्ट आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब जब 12 रिबूस्ट आईडी आप नेक्स्ट लेवल में जब आप क्रिएट करेंगे, तब 12 into $35 दैट मीन्स आपका जो अर्निंग होगा उधर से उतना कितना है, $1050 का अर्निंग, $1050 का अर्निंग आपका टोटल रिबूस्टिंग से आ जाए, ठीक है। तो $1050 का अर्निंग में, सॉरी $420 का अर्निंग आ रहा है, $420 का अर्निंग से आप फिर रिबूस्ट करके थर्टी एक्टिव रिबूस्ट किया, तो उधर से आपको $1050 अर्निंग आ रहा है। $1050 अर्निंग कब आ रहा है, जब आपका 160 to 175 days, दैट मीन्स करीब करीब ये आपका 5 से 6 महीने के अंदर, साढ़े पाँच छः महीने के अंदर आपका $1000 इनकम आपका बूस्टिंग से आ गया। अब इधर से आप फिर ऑलमाइटी लेवल में अपग्रेड कर रहे हैं, और विड्रॉ कितना कर रहे हैं, $500, $250 से आप ऑलमाइटी लेवल में अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि आपका हर दिन 4 आईडी को आप रिबूस्ट कर पाएंगे। आप जब पैसा आएगा बूस्टिंग वॉलेट में, दिन में कम से कम 4 आईडी को आप रिबूस्ट कर पाएंगे, और विड्रॉ कितना किया, $500। अब इधर से आप फिर $1050 आपका बूस्टिंग वॉलेट में अवेलेबल है। अब इस बार आप 52 बूस्टिंग किया, 52 आईडी को बूस्टिंग किया, 52 आईडी से आपका $1820 का अर्निंग हो चुका है, ओके। अब जब $1820 का अर्निंग से फिर आपने रीइन्वेस्ट करके, मीन्स रिबूस्ट करके आप 100
सॉरी 3,500 डॉलर जब आपका आ चुका है बूस्टिंग वॉलेट में, तब आप 100 रिबूस्टिंग एक्सेप्ट किया। अब जब ऑलमाइटी लेवल में पर डे का 4 नंबर्स ऑफ रिबूस्टिंग आप कर सकते हैं, उस हिसाब से इधर आपका जब 265 to 280 डेज के अंदर आपका इधर 100 रिबूस्टेड आईडी क्रिएट हो चुका है, और आप जाके आपका ये 3,500 डॉलर का जो अर्निंग हुआ है उधर से आप 1,170 डॉलर आप विदड्रॉ करें। तो दैट मीन्स कितना दिन हुआ है, 365 डेज के अंदर, मैं बार बार पहले से ही बोला था, तो ये 300 डेज के अंदर मीन्स 10 महीने में ही आप $1,000 मिनिमम आप विदड्रॉ करना शुरू कर दिया। अब यही ऑलमाइटी लेवल में आप जब 280 डेज के बाद आप लेवल अपग्रेडेशन करते हैं लेजेंड लेवल में 500 डॉलर में, तब आपका $1,500 आपका विड्रॉ होता है और $1,500 आपका बूस्टिंग वॉलेट में रहता है। दैट मीन्स आप बूस्टिंग वॉलेट पर आईडी $10 करके, दैट मीन्स 150 बूस्टिंग आईडी क्रिएट होता है। जब 150 बूस्टिंग आईडी क्रिएट होता है तो इस लेजेंड लेवल में आप हर दिन 5 आईडी को आप क्रिएट कर पाएंगे, रिबूस्ट कर पाएंगे। हिसाब से 40 दिन में ये टोटल 150 आईडी का रिबूस्टिंग ख़त्म होता है। तो इधर से आप कितना नंबर ऑफ टोटल बूस्टिंग अवेलेबल था, 150 आईडीज, तो 150 आईडीज के ऊपर आपका टोटल अर्निंग कितना होता है, 5,250, यस 5,250 डॉलर का अर्निंग होता है। नाउ इट इज़ द टाइम व्हेन 5,250 डॉलर का अर्निंग होता है तो आपका लेवल अपग्रेडेशन होता है कमांडर लेवल में, और आपका विड्रो कितना होता है, $2,150। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना जल्दी ये आपका इनकम बढ़ रहा है। और जब 430 डेज, मैं तो इधर 32 to 35 डेज में किया, मैं 40 डेज का भी काउंटिंग किया है, इवन इफ आई एम गोइंग फॉर द 40 डेज देन ऑल्सो द इनकम इज लेवल में इट्स मल्टीप्लाइड एंड क्यूमुलेटिव इनकम इज सच अ बिग इनकम बूस्टिंग इनकम। नाउ फ्रॉम दिस $5,250 आई एम यूजिंग माई 2,100 डॉलर बूस्टिंग वॉलेट में रख के आई एम विदड्रॉइंग $2,150, और कमांडर लेवल में मैं हर ईच एंड एवरी डेज में 7 आईडी को रिबूस कर रही हूँ। 7 आईडी को रिबूस करके 30 डेज में मेरा 210 जो अवेलेबल है बूस्टिंग, नंबर ऑफ बूस्टिंग उसको कंप्लीट कर रही हूँ। तब जाकर मेरे को नेक्स्ट 470 to 500 डेज के अंदर, नेक्स्ट 100 डेज में, तो इधर मैंने नियर अबाउट 70 डेज का कैलकुलेशन मैंने कर लिया है। मैक्सिमम टाइम लिमिट मैं बढ़ा के, अभी कंपनी का जो भी परफॉर्मेंस ग्रोथ परफॉर्मेंस है उससे भी ज़्यादा मैं टाइम लिमिट कैलकुलेट किया है, ताकि जाके बाद में जाके अगर यू डोंट से कि मेरे को मैडम इतना कम दिन आपने कैलकुलेट किया है उधर इधर से तो इतना देर हो रहा है, इस तरह का बात मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। मैं थोड़ा एवरेज डे और भी ज़्यादा बढ़ाए हैं, तो इधर मेरे को नाउ माई इनकम फ्रॉम 210 आईडीज मेरे को $7,350 आ चुका है। मैं इस बार विड्रॉ कर रही हूँ $2,750, जो कि मैं 500 दिन तो ख़त्म हो जा रहे हैं ऑन द कम्प्लीशन ऑफ दिस सेकेंड पर्टिकुलर दिस। नाउ आई एम विड्रॉइंग $2,750, और मेरा अपग्रेडेशन हो रहा है नेक्स्ट लेवल में। नेक्स्ट लेवल होता है ब्लू सफायर। अब जब ब्लू सफायर में मेरे को 10 आईडीज एक दिन में मैं अपग्रेड कर पाऊँगी, रिबूस कर पाऊँगी रहता नॉट अपग्रेड, तो मैं 10 आईडी को जब मैं रिबूस कर पाऊँगी, तो इसलिए मेरा जो $2,100 का जो मैंने वॉलेट में था विद इन 21 डेज, इसके पहले तो मेरे को 30 डेज लग रहा है, लेकिन ब्लू सफार में जाने के बाद मेरे को 21 डेज, विद इन 21 डेज आई कैन कंप्लीट माय रिबूस्टिंग ऑफ 210 आईडीज। नाउ बाय 650 to 730 डेज टाइम मेरे को फिर से इस बार जो पैसा मिला है उधर से मैं थोड़ा सा कम विड्रॉ करके मैं $5,000 मैं मोरलेस सेम ही विड्रॉ किया। नेक्स्ट मैं 2,750 इसके पहले विड्रॉ किया था, लेकिन ब्लू सफार में इनकम आने के बाद मैं $2,350 विड्रॉ किया, $400 कम विड्रॉ करके मैं बूस्टिंग फंड में मेरा $5,000 को रखा। तब जाके 500 रिबूस्ट आईडीज मैं रिबूस्ट कर पाऊँगी, और ये जो 500 आईडीज विद इन 50 डेज टाइम मैं 10 हर एक दिन 10 10 करके मैं रिबूस कर लिया। अब जब रिबूस किया तब ये जो 500 बूस्टिंग आईडी से मेरे को कितना रुपया मिला, सॉरी कितना डॉलर मिला, $17,500। देखिए इधर अभी तक मैं कोई भी मैट्रिक्स, आई एम नॉट टेलिंग यू एनी थिंग रिगार्डिंग एनी ऑफ द मैट्रिक्स इनकम, येस आई एम नॉट टेलिंग एनी थिंग एनी अबाउट माई मैट्रिक्स इनकम, आई एम टेलिंग ओनली द बूस्टिंग इनकम। मैं बूस्टिंग के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ। तो 750 डेज के अंदर मेरा $17,500 का रिबूस्टिंग इनकम आ चुका है पर्टिकुलर इस, दैट मीन्स आपका अर्निंग भी आप विजो करें $10,500। तो दैट मीन्स आपका लगभग 2 साल पूरा हो गया। 2 साल पूरा होने से आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, मोर देन, आप अगर हिसाब करेंगे मोर देन $15,000, नियर अबाउट $20,000 का आपका प्रॉफिट हो चुका है, जो कि आप विदड्रॉ कर लिया है। आपके जो कैपिटल मैंने बोला था ट्रेडिंग के लिए, फॉर ट्रेडिंग
मिनिमम $1,000 था एंड नाउ यू आर अर्निंग मोर देन $2,000 इवन राइट नाउ योर विड्रॉल लेवल हैज़ कम टू द $10,000 मिनिमम मंथली. दिस इज द पावर ऑफ बूस्टिंग. अब नाउ यू आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ टू द लास्ट लेवल लास्ट पूल दैट इज ऑफ इमोर्टल बाई $5,000. नाउ बाई दिस टाइम एक ही दिन में आपका सारा का सारा जितना भी रिबूस्टिंग वॉलेट है उसमें से आप एक ही दिन में जितना भी रिबूस्टिंग आईडी क्रिएट करना है वो एक ही दिन में कर पाएंगे. इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, एक दिन में 10 या 2 या 5 ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है. आप एक ही दिन में सारा का सारा आईडी को आप पैसा को आप रिबूस्टिंग में डाल सकते हैं. दैट मीन्स आप एक दिन में $12,000 का आप अगर रिबूस्टिंग में डाल देते हैं दैट मीन्स $12,000 से आपको $1,200 $10 एक रिबूस्टिंग आईडी का चार्ज है. तो दैट मीन्स आपको 1200 रिबूस्टिंग आईडी मिलता है. तो 1200 रिबूस्टिंग आईडी आपको अगर मिल जाता है तो मैं उसी हिसाब से देखिए मैं 760th डे में आप जब अपडेट कर रहे हैं तो आपको तुरंत उसी दिन आप 1200 आईडी को आप रिबूस कर दिया. 1200 आईडी को रिबूस करने से आपको 42,000 मिल जाता है. 42,000 मिल जाता है कब? जब 800 डेज होता है. दैट मीन्स 760th डे में आपने रिबूस किया और आपको मैं 40 दिन मैंने शुरू किया कब? जब शुरू किया तब 32 to 35 डेज बोला है. अब मैं 40 दिन का हिसाब में चल रही हूँ. 40 दिन के अंदर आपका वॉलेट में आ जाता है $52,500. अब $52,500 में से आप $15,000 रख के बाकी सारा का सारा पैसा आप उठा लीजिए. दैट मीन्स $37,500 यू आर विदड्रॉइंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. इफ यू आर नॉट विलिंग टू इंक्रीज योर रिबूस्ट दैट मीन्स कीपिंग ऑन $15,000 इन द बूस्टिंग फंड दैट मीन्स 1500 आईडीज टू क्रिएट ईच एंड एवरी डे ईच एंड एवरी 30 to 40 डेज टाइम वट एवर बी द टाइम इट विल टेक. कोई भी टाइम अगर जो भी 32 to 35 डेज अभी लग रहा है लेकिन मैं तो 40 डेज के हिसाब से मैं चल रही हूँ. इवन मैं लास्ट जो दिखाया वो 60 डेज का हिसाब दिखा रही हूँ. तब भी जाके आपका महीने भर में आपका कम से कम जितना इनकम मैंने दिखाया मोर देन सफिशियंट. आपको ट्रेडिंग के लिए इतना मैंने 30,000 पर मंथ का इनकम मैं दिखा रही हूँ. इतना इनकम जो रोड मैप मैंने दिखा रही हूँ उसमें से आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इत्मीनान से आप काम कर सकते हैं. कोई भी वर्किंग अगर आपका टीम बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि मैं अगर 5 जन को रेफ़र किया लेकिन वो 5 अगर कोई काम नहीं करता है तो मेरे को क्या इनकम मिलेगा? ठीक है, हाउ मच आई विल अर्न विदाउट द हेल्प विदाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ माई 5 मेम्बर्स. जिन लोगों को मैंने रेफ़र किया वो लोग अगर कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करता है, किसी को रेफ़र नहीं करता है, दे आर नॉट रेफरिंग एनी वन, तो उन लोगों के लिए मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या वेदर आई विल बी सफरिंग और नॉट? तो आई होप कि आई हैव शोन यू द टोटल पाथवे बाई विच फ्रॉम बूस्टिंग इनकम इटसेल्फ आपका पहला वाला जो आईडी आपने क्रिएट किया वही आईडी से यू कैन अर्न. सी आई हैव गिवन यू द टोटल पाथ ऑफ नियर अबाउट 3 years बाई एंड ऑफ 3 years टाइम. येस बाई एंड ऑफ टोटल 36 months योर मंथली अर्निंग फ्रॉम बूस्टिंग. अगर इफ़ यू फॉलो दिस आई होप यू विल बी मच हैप्पी. इवन इट इज़ शोइंग यू इधर शो कर रहे हैं कि $37,500 आप विड्रॉ कर रहे हैं हर 30-40 दिन में. दैट मीन्स $15,000 पर मंथ का हिसाब मैं दिखा रही हूँ. $10,000 to $15,000 मुझे पता है आप लोग अगर $1,000 भी आप लोगों के पास आ जाता है दैट मीन्स 1/10 भी अगर आप लोगों के पास आ जाता है यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी. एंड मेरे हिसाब से मैं जितना ग्रोथ देख रही हूँ मेरा जो सीनियर्स लोगों का जो जितना मैं ग्रोथ देख रही हूँ $1,000 तो बहुत ही कम है. $5,000 to $8,000 मिनिमम आप लोगों को मंथली आएगा इतना मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ. और बाकी मेरा तो इतना ही कोशिश है. आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट टू गेट अ प्रॉपर इनकम सोर्स टू बिल्ड अप योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अच्छा खासा इक्विटी के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ. एंड आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू गेट योर इक्विटी फॉर योर ट्रेडिंग. खुद का कैपिटल के लिए जितना आप लोगों को हेल्प चाहिए था A2Pools का बूस्टिंग इनकम डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा. यस फ्रेंड्स, सो होपफुली यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि आपका की टू अनलॉक योरसेल्फ फॉर योर ट्रेडिंग A2Pools बूस्टिंग इज अ ग्रेट हेल्प टू एवरी वन ऑफ अस. थैंक यू.